हिमाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी होने जा रही है और पहली बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने राज परिवार से अलग एक नेता को सीएम बनाया है। हिमाचल चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और चार बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू आज हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही 5 साल तक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेंगे। आज दोपहर 1:30 बजे शिमला के रिज मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ समारोह में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल में राज के साथ रिवाज भले ही बदल दिया लेकिन सुखविंदर सिंह के सामने राज परिवार के साथ बैलेंस बनाने की बड़ी चुनौती। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मुहर लगा दी। आज दोपहर 1:30 बजे सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया है। दिल्ली दरबार के पाले में आई गेंद का फैसला आखिरकार शिमला के मैदान में ही हो गया लेकिन मुहर उसी के नाम पर लगी जो दिल्ली की पसंद था। कांग्रेस आला कमान ने सुखविंदर सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के हाथों में हिमाचल की कमान सौंप कर पावर और पब्लिक सपोर्ट दोनों को बैलेंस किया है। विधायक दल ने कल सर्वसम्मति से हाईकमान को अधिकृत किया था विधायक दल के नेता चुनने के लिए और हाईकमान ने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है और उप मुख्यमंत्री के रूप में भाई मुकेश अग्निहोत्री का नाम चयन किया है। बहुत बढ़िया चलेगा और पूरे अब देवभूमि से जो संदेश है पूरे देश में जाएगा। हाईकमान का डिसीजन। सुखविंदर सिंह कांग्रेस में जमीन से उठकर यहां तक पहुंचे हैं। उनके पीछे किसी सियासी परिवार का टैग नहीं लगा है। आज हिमाचल के हमीरपुर से आने वाले सुखविंदर सिंह शिमला के रिज मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हिमाचल की जो 70 लाख की जनसंख्या है सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि 5 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को दोबारा मौका मिला है। जो वादे कांग्रेस पार्टी ने अपने किए हैं उनको अक्षरशः लागू करना हमारा दायित्व है और हमारा कर्तव्य है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने राजनीतिक जीवन के छात्र जीवन से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा था, NSUI से जुड़ा था, युवा कांग्रेस से जुड़ा था। NSUI का भी मुझे अध्यक्ष बनने का राज्य का मौका मिला, युवा कांग्रेस का भी अध्यक्ष बनने का मौका मिला।